दोस्तों, आज अपने पास ये एक होम थिएटर आया हुआ है। तो काफ़ी लंबा है ये ऊंचाई में, और इसमें प्रॉब्लम आया है कि ये पावर लगाते हैं तो इसमें इसका जो स्पीकर है वो सही से मतलब आवाज़ नहीं कर रहा है। मतलब एक तरीके से शॉर्ट होने का संकेत दे रहा है हमको। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं इसको पावर इनपुट करता हूँ तो देख सकते हैं, जैसे ये लग रहा है कि शॉर्टिंग पर है। और यहाँ पर अगर मैं आपको सीरीज भी दिखाऊँ तो सीरीज में देखिए, यहाँ पर पूरा सीरीज जल रहा है, पूरा नहीं मतलब आधा जल रहा है। तो ये कंडीशन में है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कहाँ से क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मैं पहले इसका स्क्रू खोल लेता हूँ। काफी इसमें स्क्रू दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने TDA7294 वाली जो IC होती है, 100 100 वाट वाली, 100 वाट वाली, सिर्फ इसमें सिंगल चैनल होता है। तो ये वाली IC यहाँ पर हमको जल्दी दिख रही है। तो सबसे पहले तो इस IC को हम यहाँ पर चेंज करेंगे, और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर हैं इनको हम चेंज करेंगे, और इसका नंबर हमको पता करने के लिए, क्योंकि देखिए इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो भी निकल गया है। तो ये दूसरा वाला जो सेम है, बिल्कुल दोनों सेम सेम है सर्किट, तो इसमें से हम कॉपी कर लेंगे इसका वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पे एक ये है और ये है। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों यहाँ पे सामने सामने रहे, तो इसको कॉपी कर लेंगे हम, क्या नंबर है। ठीक है, तो इसी सर्किट का हम कॉपी करके इसमें फिर से बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो जो सामान जला है, पहले मैं उसको लगा लेता हूँ। यहाँ पर ये जला हुआ है, एक 22 μF, जो दोनों 22 μF के कैपेसिटर है 50 वोल्ट के। तो यहाँ पर दोनों ये लगाता हूँ, और IC भी मैं लगाने के बाद आपको बताता हूँ ये चलता है या कुछ और दिक्कत करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना कैपेसिटर और ये जो IC थी यहाँ पर नई लगा दी है, और यहाँ पर एक ट्रैक जला हुआ था तो इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, और PCB को मैंने टाइट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर ये IC मैंने नई कर दी है, और कंपाउंड वगैरह सब लगा दिया अच्छे से। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो पावर लगाते हैं, तो सीरीज अपना बंद हो चुका है जो चल रहा था। तो यहाँ पर मैं पेयरिंग कर लेता हूँ मोबाइल से। ठीक है, ये कनेक्टिविटी हो चुकी है। म्यूजिक प्ले कर लेते हैं कोई एक। आवाज आ चुका है उस साइड वायलू में इसका, तो ये हो चुका है। तो इसको मैं एक बार टाइट कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व है। ठीक है, तो मैं इसको टाइट करता हूँ, उसके बाद फिर इसकी टेस्टिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने इसका स्क्रू टाइट कर लिया है, और अब हम इसका एक बार अच्छे से टेस्टिंग कर लेंगे कि आवाज़ वगैरह सब सही है कि नहीं। आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों इसके। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। अगर आपका कोई और सवाल है, जो वीडियो आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिए। ठीक है, तो उसका वीडियो हम आपको बना के दे देंगे प्रॉब्लम का। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।